डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर सेक्टर 51 नोएडा में गणित विज्ञान की सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज से हम क्लास 10 की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे मैथ्स में टोटल चैप्टर्स जो है वो 15 है, जो कि मैंने यहाँ बोर्ड पे सारे चैप्टर्स को डिक्टेट कर दिया है। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, 2 बहुपद, 14 सांख्यिकी और 15 फ्लाइट का। बेटा, इन सारे चैप्टर्स में से जो सबसे इजी चैप्टर है और जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है बोर्ड परीक्षा में, वो है चैप्टर नंबर 8 और 9। यानी चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय और 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इन दोनों चैप्टर्स को, चैप्टर 8 और 9 को मैंने यूनिट 1 में रखा है और ये टोटल मार्क्स का जो आता है बोर्ड परीक्षा में वो आता है 12 मार्क्स का। तो आज से हम जो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे वो अपने चैप्टर 8 से ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ये इजी भी है और बोर्ड परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। बेटा, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, ठीक उसी तरीके से आप अपनी एक कॉपी बनाइएगा और उसी तरीके से हर एक पेज पे जैसे मैंने आपको समझाया है नोट करना है आपको। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि यूनिट 1 जो है उसमें 2 चैप्टर इंक्लूड है आपके, एक चैप्टर 8 और एक चैप्टर 9। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो चैप्टर 8 से कर रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति का परिचय, तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति होती क्या है, क्या उसके उपयोग हैं, कौन कौन से सूत्र उसमें लागू होंगे। तो वही अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके परिचय से। बेटा, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रि कोण मिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है मापन। यानी कि त्रिकोण मिति में हम जो करते हैं वो 3 कोणों का मापन करते हैं। यानी 3 कोणों को मापने के लिए जो प्रयोग में विधि लाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिकोण मिति। उसके बाद हम चलते हैं कि आखिर त्रिकोण मिति के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या उपयोग है। सबसे पहला उपयोग मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने में। अगर सपोज हमें किसी भी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जैसे ये कोई मीनार है, अगर हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, ये तो हमारे पास हो गई भूमि, यानी ये हो गया हमारे पास आधार, यहां हमारी आंख जिससे हम उसको देख रहे हैं मीनार को, तो इन दोनों के बीच ये, यहाँ इन दोनों आधार और ये जो आपकी आंख है इनके बीच में एक कोण बनता है जिसको हम कहते हैं थीटा। इस थीटा के सामने वाले को हम कहते हैं लंब। जिस पर ये कोण बनता है वो होता है आधार, और ये जो सामने वाला लंब और आधार के सामने वाला जो होता है इसको हम कहते हैं कर्ण। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी इसको हम पी से भी शो कर सकते हैं। आधार को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस, जिसको बी से शो कर सकते हैं, और कर्ण को हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, यानी इसको हम शो कर सकते हैं एच से। अब ठीक उसी प्रकार से जैसे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना बताया, ठीक उसी तरीके से हम पहाड़ों की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमने अभी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करी थी। फिर उसके बाद इसमें आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने होते हैं। हमेशा याद रखना बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास 6। पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, दूसरा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा होता है कॉसेक थीटा। त्रिकोणमिति की जो शुरुआत हुई थी वो संस्कृत भाषा से हुई थी। तो संस्कृत में साइन थीटा को हम कहते हैं जया, कॉस थीटा को पोज्या, टेन थीटा को स्पर्शया। फिर इसके बाद टेन का उल्टा होता है बेटा कॉट, तो स्पर्शया तो ये आ गया, और उसके साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं व्यू। ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेफ, तो कोजिया कोजिया, उसके साथ एक वर्ड और जोड़ दिया व्यू। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन को हम कहते हैं जया जया, उसके आगे एक वर्ड और जोड़ दिया हमने व्यू। और हमेशा याद रखना कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनमें साइन कॉस टेन इन सबके साथ किसी भी कोण का होना जरूरी होता है, चाहे थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, लेकिन ये कोण जरूर आएगा। अगर आप खाली लिख के चल रहे हैं साइन, खाली लिख के चल रहे हैं कॉस, तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात की श्रेणी में नहीं आता। बेटा, जैसे अभी बताया था मैंने कि त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं।
अब इन छहों के भी अपने छह सूत्र होते हैं, तो उसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। हमेशा याद रखना लाल, एल ए एल, लाल कक्का, के ए। यहाँ एल जो होता है वो लंब होता है, ए जो होता है वो आधार होता है, और के जो होता है कर्ण होता है। इस सूत्र की सहायता से ही आप छह त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र अपने आप ही बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको बताया था साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होगा वो होगा एल अपॉन के, यानी लंब बटे कर्ण। फिर दूसरा साइन के बाद बताया था कॉस, कॉस ए अपॉन के, कॉस थीटा इक्वल टू ए अपॉन के। फिर बताया था टेन, कॉस के बाद टेन, एल अपॉन ए, टेन थीटा इक्वल टू एल अपॉन ए। फिर मैंने आपको बताया था कि जो कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, तो कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, टेन यहाँ पे खत्म हुआ तो इसका मतलब कॉट यहाँ आएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा उल्टा है तो ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। फिर उसके बाद ये कॉस था, कॉस के नीचे आएगा आपका सेक, सेक क्या हो जाएगा, सेक इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन ए, के अपॉन ए। फिर ये साइन था, साइन के नीचे आएगा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन एल। क्लियर हो गया। अब इसमें इसी से हमने एक और सूत्र तैयार किया कि साइन थीटा, मैंने बताया था कि कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। यानी इन्हीं की सहायता से हमारे तीन अन्य सूत्र भी तैयार हो गए हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ कि L हो गया आपका लंब और K हो गया यहाँ पर कर्ण, यानी आपका सूत्र बन गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ऐसे ही आप कर सकते हो, A को आधार और K को कर्ण मानकर। अब बेटा हमेशा याद रखना कि ये जो त्रिकोणमिति होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों का मापन, और तीन कोण हमेशा जो आते हैं वो आते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज भी हमारे कई तरीके के होते हैं, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब ये समझ नहीं आता कुछ बच्चों को कि त्रिकोणमिति आखिर इनमें से किस त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है। हमेशा याद रखना कि त्रिकोणमिति में एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, ये पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो त्रिकोणमिति के लिए जो हमें केवल लेना है वो लेना है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी समकोण त्रिभुज में, और समकोण त्रिभुज का एक कोण होगा 90 डिग्री, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि कोण B इक्वल टू 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस सूत्र में आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, कर्ण की जगह आप लंब नहीं लिख सकते, ना ही आधार लिख सकते, ऐसे का ऐसे ही आपको ये पूरा सूत्र याद करना पड़ेगा। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय में हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, एक कर्ण की, एक लंब की और एक आधार की। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे किसी भी संपर्क त्रिभुज को देख के कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। बहुत सारे बच्चे इसे पहचानने में गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये तो हमारे पास समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये हमें दिख रहा है ये आधार होगा, ये दिख रहा है हमें लंब होगा, और जो एक टेढ़ी सी रेखा जा रही है उसको हम कहेंगे कर्ण, जबकि ये विचार बिल्कुल गलत है उनका। इसे कर्ण को, लंब को और आधार को पहचानने के लिए हम सबसे पहले कोण देखते हैं। अब देखो इसमें एक कोण तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के कोण को हमें बिल्कुल नहीं देखना है। 90 डिग्री के कोण के अलावा एक कोण आपको नजर आएगा, चाहे वो थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, किसी भी रूप में आपका वो कोण हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मान दे रखे हो, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके के कोणों के मान को, या इस तरीके के जो दे रखे हो थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, उसी से हमें कर्ण की, लंब की और आधार की पहचान करनी है। इस कोण के सामने वाले, यानी थीटा के कोण के सामने वाला जो होगा उसको हम हमेशा लंब की श्रेणी में ही रखेंगे। यानी इस कोण थीटा के सामने का जो है हमारे पास वो लंब है आपका
के लिए। अब दूसरा, ये जो कोण जिस पर बनता है, यानी ये कोण इस रेखा पर बनना है, बीसी रेखा पर, तो इसको हम कहके चलेंगे हमेशा आधार। और लंब और आधार के बाद जो तीसरी भुजा बसती है उसको हम हमेशा कहते हैं कर्ण। पहले भी बताया था कि लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस यानी बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस यानी कि एस से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब एक और दूसरे उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे कर्ण, लंब और आधार को पहचाना जा सकता है। अब बेटा देखो, यहाँ पर ये त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री के कोण को हमें नहीं देखना है, हमें इसके अलावा जो कोण बनना है उसको देखना है। यहाँ पर हमारे पास एक कोण थीटा बनना है, और वो किस पर बनना है, कोण ए पर बनना है हमारा थीटा। अब मैंने आपको बताया था कि इसी के अनुसार आपको कर्ण, लंब, आधार देखना है। इस कोण के ठीक सामने, मुझे एक भुजा नजर आ रही है बीसी, सीबी, तो इसे हम कहेंगे लंब। अब इस ये जो कोण है वो मुझे नजर आ रहा है कि ये रेखा एबी पर बन रहा है, तो यानी कि ये हमारे पास होगा आधार। अब आपको दिख रहा है कि इन दोनों के अलावा भी एक तीसरी रेखा आपको नजर आ रही है एसी, जिसको हम किसकी श्रेणी में रखेंगे, कर्ण की श्रेणी में रखेंगे। इन सबको ही मानकर मैंने एक चीज निकाली थी कि जैसे अभी आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र अभी बताया था लाल कक्का से, एल बटे के। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। लंब जो है इस त्रिभुज के अनुसार, जो लंब है वो है हमारे पास रेखा एबी, तो लंब की जगह रख दिया एबी, और कर्ण है हमारे पास रेखा एसी, उसकी जगह हमने रख दिया एसी। ठीक इसी प्रकार से अगर इस समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का सूत्र अभी बताया था शॉर्ट ट्रिक से, लाल कक्का से, ए अपॉन के। ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। आधार आपका क्या है, आधार है आपका एबी, तो आधार की जगह रख दिया एबी, और कर्ण आपका क्या है एसी, और कर्ण की जगह आपका रख दिया एसी। किसी प्रकार से आप कर्ण, लंब, आधार को पहचान सकते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं। बेटा त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं जो होती है वो हमेशा तीन होती है। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आपको ऐसे ही याद करना है जिस तरीके से ये लिखी होती है। आप sec की जगह tan नहीं कर सकते, cot की जगह sec नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही याद रखना है। ये सर्व समीकाएं हमेशा सिद्ध करने वाले जो सवाल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं। और इन सर्व समीकाओं के प्रूफ भी हैं, जो कि मैं अभी नेक्स्ट आपको बताऊंगी। जो मैंने आपको बताया था कि जो सर्व समीका होती है वो तीन होती है, तो वो उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैसे सिद्ध करोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो लेफ्ट वाली साइड होती है उसके नीचे लिख देते हैं LHS, और जो राइट साइड में होती है उसके नीचे हम लिख देते हैं RHS। अब आपको देखना है कि LHS से आप सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर RHS से। जैसे कि दोनों साइड को देखने में हमें क्लियर हो रहा है कि RHS में हमारे पास केवल एक ही संख्या दे रखी है, वो भी वन, यानी इससे सवाल को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। अब LHS में देखते हैं कि हमारे पास दो पद हैं और इन दोनों पदों से हमें एक पद को प्राप्त करना है, तो जिसके कारण हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को LHS से। तो वही LHS लेने पर पूरा का पूरा मैंने ऐसे ही उतार दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात के जब भी सूत्र ज्ञात करने होते हैं तो वहां पर एक शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं लाल कक्का। यहाँ पर हम पहला मान हमारे पास दे रखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर मैंने आपको बताया था कि एल अपॉन के होता है। एल का अर्थ होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। ये हमारे पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका कोण बी 90 डिग्री है, और कोण सी पर हमारे पास कोण बनना है थीटा। इस थीटा के सामने वाली भुजा को हम कहेंगे लंब, यानी कि लंब जो हो गया हमारे पास वो हो गया ए बी। जिस पर ये कोण बनना है वो आधार है, यानी आधार हो गया हमारे पास बीसी। और तीसरी वाली जो भुजा है एसी वो हमारा होगा कर्ण, तो कर्ण की जगह हमने एसी और लंब की जगह लिख दिया एबी। ठीक इसी प्रकार से हमें कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर होता है ए अपॉन के,
यानी ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। आधार जो है वो अभी बताया था आपको कि आधार हो गया बीसी और जो कर्ण हो गया वो हो गया हमारे पास एसी। अब ये जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, इन दोनों के मानों को मैंने समीकरण नंबर एक में रख दिया। जब इन दोनों के मानों को समीकरण एक में रखा तो साइन थीटा का मान था ए बी अपॉन ए सी इसका स्क्वायर प्लस का निशान, कॉस थीटा का मान था बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लिया ए बी, पहले तो ये देखो आप इन दोनों में हर का मान जो है दोनों में समान है ए सी, तो एलसीएम मैंने ले लिया ए सी और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ए सी का स्क्वायर। जब इन दोनों का एलसीएम ए सी आ गया तो ऊपर बचा ए बी का स्क्वायर प्लस का निशान और बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए बी आपका लंब हो गया, बी सी हो गया आपका आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, वो किस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारे पास कर्ण आ गया ए सी, ए सी का स्क्वायर, एलसीएम में ए सी स्क्वायर दे रखा था, कैंसिल आउट कर दिया, वैल्यू आ गई 1 और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी हमारी कितनी है 1, जिससे सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS। फिर अब पढ़ेंगे हम द्वितीय सर्वसमीका के बारे में। जैसे कि बताया था कि द्वितीय सर्वसमीका होती है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि कैसे सिद्ध करोगे कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अभी बच्चों बताया था कि जब भी कभी सिद्ध करने का सवाल आ जाए तो वहां पर हमेशा लेफ्ट साइड को LHS लिख देते हैं और राइट वाली साइड को RHS लिख देते हैं। अब आपको देखना है कि LHS बड़ी है या RHS बड़ी है। यहाँ पर देख रहा है कि LHS में केवल एक ही पद है जबकि RHS में हमारे पास दो पद हैं। तो इसका मतलब है कि जिसमें सबसे ज्यादा पद होंगे उसी को लेकर हमें सवाल को आगे चलना है। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे RHS, तो RHS लेने पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको बताया था कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको लाल कक्का से हम खोल सकते हैं। तो tan थीटा जो होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन ए, यानी एल मतलब लंब और ए मतलब होता है आधार, थीटा के सामने वाला होता है लंब जो कि है ए बी और जिस पर कोण बनना है वो होता है आधार जो कि है आपका बी सी। इस tan थीटा के मान को हम समीकरण नंबर एक में रख देंगे। जब समीकरण एक में इस मान को रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू थी ab अपॉन bc का होल स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो आएगा bc का होल स्क्वायर, तो bc का स्क्वायर यहाँ पर नीचे हम मान लेंगे 1। जब एलसीएम हमारे पास bc है तो मल्टीप्लाई करके ये भी हो जाएगा bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर और एलसीएम में था हमारे पास bc स्क्वायर। आपके पास इस त्रिभुज के अनुसार bc जो होता है वो आधार होता है, ab जो है वो आपका लंब है और bc आपका आधार है। आपको पहले ही बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे हमें क्लियर हो रहा है कि जो हमने सेकेंड इक्वेशन मानी थी तो उसमें जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है उसकी जगह हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर। तो वही हमने किया कि इस पूरे की जगह लिख दिया कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर पूरा हमारे पास ऐसे ही था। अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात के शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलें तो कर्ण बटे आधार किसका मान हो जाएगा sec थीटा का और उसके ऊपर है होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और यही हमें LHS प्रूफ करना था। तो sec स्क्वायर थीटा के बराबर में लिख दिया LHS, हमारे पास सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS। इससे पहले आपको एक चीज और बतानी है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों तृतीय सर्वसमीका के बारे में। जैसे कि अभी बताया था कि तृतीय सर्वसमीका होती है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पर यह भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कैसे सिद्ध करोगे कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा है कि लेफ्ट एक जो लेफ्ट साइड में उसे लेफ्ट हैंड LHS लिख दिया और जो राइट साइड में उसको लिख दिया RHS। अब LHS और RHS में दोनों में सबसे ज्यादा पद जो है वो RHS में है। अभी आपको बताया था कि जिसमें ज्यादा पद होते हैं उसी से आगे सवाल को बढ़ाना होता है, तो हमने वही लिखा कि RHS लेने पर आपका RHS क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब cot थीटा जो होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसका मान हम हमेशा लाल कक्का वाली शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। तो लाल कक्का वाली शॉर्ट ट्रिक से cot थीटा होता है a अपॉन l, a का मतलब आधार और l का मतलब होता है लंब। आपका जो आधार है इसमें वो है आपका bc और लंब जो है वो है आपका ab।
अब इस कॉट थीटा के मान को आपको समीकरण नंबर एक में रखना है, तो 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, बीसी अपॉन ए बी, तो बीसी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस बीसी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो ए बी का स्क्वायर आएगा, जब ए बी का स्क्वायर एलसीएम आएगा तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी इस त्रिभुज के अनुसार लंब है तो लंब का स्क्वायर, बी सी इस त्रिभुज के अनुसार आधार है तो आधार का स्क्वायर, ए बी अभी आपको बताया था क्या है, लंब, तो लंब का स्क्वायर। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी मान को हमें समीकरण नंबर 2 में रख देना है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह हमने लिख दिया कर्ण का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर। अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को देखें तो कर्ण बटे लंब जो आएगा वो कॉसेक थीटा में आएगा, तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको खोल दिया ये आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यही आपकी क्या था LHS, यानी RHS को लेकर हमने सवाल को किया और LHS पे लाके खत्म कर दिया, तो LHS बराबर RHS, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। बच्चों आपको एक चीज और बतानी है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा लिखने का सही तरीका ये होता है, कभी भी टेन स्क्वायर थीटा को आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे। अगर आप यहाँ इसको देखेंगे तो इसका मतलब है कि थीटा आपका सिंगल है, थीटा की पावर जो है हमेशा 1 है, आपको केवल जो स्क्वायर देखना है वो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 10 का देखना है। अगर इसकी जगह sec होता तो आप भी उसको भी ऐसे लिखते sec स्क्वायर थीटा, कभी भी इसको इस तरीके से नहीं लिखना। अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो इसका मतलब है कि 10 की पावर तो 1 हो गई लेकिन जो आपके कोण की पावर है वो आपकी 2 हो गई, जबकि कोण हमेशा 1 ही होता है। आपने हमेशा देखा होगा समकोण त्रिभुज जितने भी बनाया मैंने हमेशा उसमें कोण की पावर को 1 ही दिखाया, तो सही तरीका ये है ये नहीं। बच्चों एक्सरसाइज 8.1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो आपके 7 हैं। ये जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 8.1 के, जो मैंने कल आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे उन पॉइंट्स में आपको 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स का प्रयोग करके ही इस एक्सरसाइज को हल करना है। अब बेटा टाइप 1 हम लिखे चलते हैं, इस टाइप 1 में आपके क्वेश्चन नंबर 1 आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भी होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मैं आज आपको बता रही हूँ। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करूंगी ठीक उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके मेरे से नेक्स्ट डे आंसर चेक करवाएंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और आपको साइन सी और कॉस सी के मान ज्ञात करने हैं। इस सवाल को हल करने के लिए मैंने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लिया जिसका कोण बी जो है वो आपका 90 डिग्री है। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको साइन सी का मान निकालना है, जो कोण हमें जिस कोण का मान निकालना होता है उस कोण यानी कोण सी के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और उसके जिस पर ये कोण सी बन रहा है उसको आधार कहते हैं और जो तीसरी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। सवाल में आपके पास लंब यानी AB की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, आधार BC की वैल्यू आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इस सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले तीसरी भुजा अर्थात कर्ण को ज्ञात करना है। जब भी आपके पास दो भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो आप 0.4 का प्रयोग करके अर्थात पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया, कर्ण का स्क्वायर, लंब का मान आपको दे रखा था 24 सेंटीमीटर तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार का मान आपको दे रखा था 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे वो 576 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे वो 49 आएगा। 576 और 49 को जब जोड़ा तो हमारे पास मान आया 625। चूंकि यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है हमें चाहिए कर्ण की वैल्यू, तो मैंने वर्गमूल ले लिया 625 का और 625 का जो वर्गमूल आया वो आया 25 सेंटीमीटर। कैसे आया, 625 में हम सबसे पीछे से पेयर बनाने शुरू करते हैं तो एक पेयर हमने यहाँ बना लिया, ये हमारे पास सिंगल संख्या बची 2, 2, 4 सेम संख्या यहाँ आती है 2, 2, 4 6 से 4 गया 2 25 यहाँ उतार लिया 2 + 2 हो गया हमारे पास 4
फिर उसके बाद सेम संख्या यहाँ लाते हैं, मैंने 5 और 5 ले लिया, तो 5×5=25 का 5, हंसी लगे 2, 5×20=22, यानी 625 का वर्गमूल आपका आ गया 25। मात्रा का आपका दे रखा था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख लिया। फिर उसके बाद हमें मान चाहिए साइन सी का। साइन सी बेटा 0.5 में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, लाल कक्का। लाल कक्का से मैंने आपको बताया था कल कि जो साइन होता है वो होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब का मान आपका दे रखा है 24 और कर्ण का मान मैंने अभी निकाला है 25। ठीक इसी तरीके से आपको चाहिए कॉस सी का मान। कॉस सी आपका होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार आपका दे रखा है 7 और कर्ण का मान आपका अभी निकाला है 25। तो ये दोनों जो है साइन सी और कॉस सी के मान आपके निकल कर आ गए। एक्सरसाइज 1.1 के अब हम टाइप 2 की तरफ चलेंगे। टाइप 2 में आपके 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 जो है वो आपको होमवर्क से करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 को मैं अभी आपको करा रही हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपका, सवाल में दे रखा है, दिया है 15 cot A = 8। अब क्या करेंगे, cot A का जो गुणांक है उसको नीचे हर के रूप में ले आएंगे, तो cot A बराबर हो गया 8/15। सवाल में कहा है कि आपको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। इस सवाल को हल करने के लिए मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया है ABC। चूंकि यहाँ पर जो मान हमें कैलकुलेट करना है उसमें कोण ए दे रखा है, यानी कोण ए के आधार पर ही हमें निश्चित करना है कि कौन लंब है, कौन कर्ण है और कौन आधार है। आपको बताया था कि कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा लंब होती है, जिस पर कोण बनता है वो आधार होती है, और तीसरी भुजा को हम कह के चलते हैं कर्ण। तो हमारे पास जो दे रखा था सवाल में cot A = 8/15, उसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर 0.5 में मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है कि लाल कक्का, अगर हम लाल कक्का के सूत्र का प्रयोग करते हैं तो cot का मान हो जाएगा हमारा A/L। cot A = A/L, A का मतलब आधार और L का मतलब होता है लंब। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तरफ अगर हम देखते हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड जो है समीकरण 1 का और समीकरण नंबर 2 का, वो एक जैसा है। जब लेफ्ट हैंड साइड समान है तो हम राइट हैंड साइड को भी समान लिख सकते हैं, यानी मैंने वही लिखा है कि आधार अपॉन लंब इक्वल टू 8/15, यानी आधार का मान हो गया आपका 8 और लंब का मान हो गया 15। चूंकि यहाँ पर ना सेंटीमीटर दे रखा ना मीटर दे रखा, तो हमने उसके आगे लिख दिया है मात्रक। अब हमारे पास दो भुजाएं आधार और लंब ज्ञात हो गई है। मैंने आपको बताया था कि जब भी त्रिकोणमिति के सवालों को करोगे तो आपको तीनों भुजाओं का पता होना जरूरी है। तो यानी तीसरी भुजा हम कर्ण निकालेंगे। हमेशा तीसरी भुजा निकालने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो की होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान था आपका 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान था आपका 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। 225 और 64 को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास आती है संख्या 289, जो कि है कर्ण स्क्वायर का मान। हमें कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कर्ण चाहिए, जिसकी वजह से मैंने इस 289 का वर्गमूल ले लिया। और 289 का जो वर्गमूल होता है वो किसका वर्गमूल होता है, 17 का। तो कर्ण का मान हमारे पास आ गया 17। इसके आगे भी हमने लिख दिया है मात्रक। हमें चाहिए साइन ए और सेक ए के मान। मैंने आपको बताया था कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान हम निकालते हैं वो लाल कक्का वाली शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। साइन ए यानी L/K यानी लंब अपॉन कर्ण, लंब का मान आपको दे रखा है 15 और कर्ण का मान आपको दे रखा है 17। सेक ए, ये साइन था, ये कॉस था, ये टेन था, ये कॉट था, ये था सेक, यानी K/A। K का मतलब कर्ण और A का मतलब आधार। कर्ण का मान दे रखा है आपको 17 और आधार का मान आपको दे रखा है 8। यही आपका आंसर। बच्चों एक्सरसाइज 1.1 के अब हम टाइप 3 की तरफ चलते हैं। टाइप 3 के अंदर आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आपको घर से करना है और क्वेश्चन नंबर 6 को मैं अभी आपको करा रही हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल में ये दे रखा है कि कोण ए और कोण बी आपके न्यून कोण है, यानी न्यून कोण मतलब जो कि 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं। और दूसरा आपका सवाल में दे रखा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो इन दोनों का प्रयोग करके हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर आपका कोण बी होता है। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि दो त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज बनाया हमने ए क्यू बी, एक त्रिभुज बनाया हमने बी एस आर। तो त्रिभुज पी क्यू ए यानी फर्स्ट त्रिभुज पी क्यू ए में हमने निकाला है, चूंकि दे रखा है हमारे पास कॉस ए, कॉस ए जो है वो इसी त्रिभुज में आएगा, कॉस बी जो है वो दूसरे वाले त्रिभुज अर्थात आर एस बी में आएगा।
जो त्रिभुज पी क्यू ए में कॉस ए बराबर, बेटा आपको बताया था कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो हम निकालते हैं वो लाल कक्का से निकालते हैं, पहला वाला मान हो गया साइन, दूसरा वाला यानी ए अपॉन के जो हो गया वो आपका हो गया कॉस, यानी कॉस ए बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। चूंकि यहाँ कोण ए की बात कर रहा है तो कोण ए के सामने वाली भुजा जो होगी वो आपकी लंब होगी, कोण जिस पर कोण बनना है वो आपकी आधार होगा, और जो तीसरी भुजा कहलाएगी वो आपकी कहलाएगी कर्ण। तो हमने लिख दिया कि कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया आपका ए क्यू और कर्ण आपका हो जाएगा ए पी, यानी पी ए वो मैंने ये लिख दिया, उसको समीकरण नंबर एक मान लिया। फिर हमने त्रिभुज लिया आर एस बी, आर एस बी में कॉस बी बराबर, अभी हमने बताया था कि कॉस जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, तो वही हमने आधार बटे कर्ण लिख लिया। चूंकि यहाँ पर कोण बी दे रखा है तो कोण बी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, जिस पर कोण बनेगा आधार, और तीसरी वाली भुजा कहलाएगी कर्ण, यानी कि आधार का मान इसमें हो गया आपका बी सी और जो कर्ण हो गया वो हो गया आपका आर बी। इसको लिख दिया समीकरण नंबर दो। जैसा कि सवाल में दे रखा था कि कॉस ए बराबर कॉस बी होता है, तो समीकरण एक और दो की सहायता से मैंने इन दोनों के मान रख लिए, कॉस ए का मान रखा ए क्यू अपॉन बी ए और कॉस बी का मान रखा बी एस अपॉन आर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ए क्यू बी एस नीचे आ गया और पी ए ऊपर चला गया, तो ए क्यू अपॉन बी एस इक्वल टू पी ए अपॉन आर बी, और इन दोनों को मैंने बराबर मान लिया किसके, के के, इसको मान लिया समीकरण नंबर तीन। मैंने आपको बताया था कि अगर दो का मान ज्ञात हो तो तीसरी का अगर आपको मान ज्ञात करना है तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, हमने लगा दी पाइथागोरस प्रमेय, चूंकि दो समकोण त्रिभुज है तो दोनों में अलग अलग लगेगी। सबसे पहले मैंने लगाया त्रिभुज पी क्यू ए में, तो वही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों आधार और कर्ण हमारे पास दे रखा था, हमारे पास तीसरी भुजा जो अज्ञात है वो है लंब, तो वही हमने किया कि लंब का स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। लंब जो दे रखा है इसमें आपका क्या दे रखा है, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, कर्ण आपका दे रखा है पी ए यानी ए पी, ए पी का स्क्वायर माइनस आधार दे रखा है ए क्यू, तो ए क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर बराबर, बेटा समीकरण नंबर तीन से अगर ए पी की वैल्यू हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगी, के इंटू आर बी, तो के इंटू आर बी का स्क्वायर माइनस ए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यू की वैल्यू हो जाएगी के इंटू बी एस, तो के इंटू बी एस का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर आर बी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी एस का स्क्वायर, इन दोनों में से के स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया के स्क्वायर, बचा क्या आर बी का स्क्वायर माइनस के बी एस का स्क्वायर, जिसको हमने ब्रैकेट पे बंद कर दिया। अब पी क्यू स्क्वायर है, हमें पी क्यू की वैल्यू चाहिए तो मुझे वर्गमूल लेना पड़ेगा, के स्क्वायर का वर्गमूल होगा के, और इन सब पूरे ब्रैकेट के आगे मैंने एक वर्गमूल का निशान लगा दिया और उसे डाल दिया समीकरण नंबर चार। ठीक इसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, कौन से त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज बी एस आर में, त्रिभुज बी एस आर में पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारे त्रिभुज आर एस बी में भी दो चीजें दे रखी थी, आधार और कर्ण, तीसरा हमें लंब अज्ञात था तो वही हम करेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। इस त्रिभुज में आपका लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा यानी आर एस, आर एस का स्क्वायर बराबर कर्ण कौन सा हो जाएगा आर बी यानी बी आर का स्क्वायर माइनस के आधार क्या हो जाएगा आपका बी एस, तो बी एस का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ ये स्क्वायर में है, हमें इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए वर्गमूल लेना होगा, तो आर एस स्क्वायर का वर्गमूल हो गया आर एस, और इन सब के आगे एक वर्गमूल का निशान लगा दिया और दोनों को ब्रैकेट पे बंद कर दिया, इसे मान लिया समीकरण नंबर पांच। समीकरण चार और पांच को आपस में भाग कर दिया, जब भाग किया तो हमारे पास आया पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल टू, समीकरण चार की वैल्यू रख दी, इधर समीकरण पांच की वैल्यू रख दी, ये दोनों वैल्यू सेम है, अंश और हर के रूप में है तो दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास बचा पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल टू हमारे पास आया के। अब समीकरण नंबर तीन और समीकरण नंबर छह की तुलना कर दी, क्योंकि समीकरण तीन और छह का जो राइट हैंड साइड है वो समान है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इनका समान होगा, अर्थात पी क्यू अपॉन ए क्यू अपॉन बी एस इक्वल टू पी ए अपॉन आर बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस। अब बेटा ये दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात सबका समान आ रहा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पहला त्रिभुज पी क्यू ए दूसरे त्रिभुज आर एस बी के समरूप है, और किस समरूपता से, एस 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 समरूपता से, एस 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 समरूपता इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पर हम तीनों दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अध्ययन कर रहे हैं,
तीनों भुजाएं बराबर है और दोनों त्रिभुज की, इसलिए ऐसे ऐसे सर्वांग समरूपता से हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। तो एक्सरसाइज 8.1 का हमने लास्ट टाइप आपको पढ़ा रही हूँ, टाइप 4। इसमें आपके तीन क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 9 और 11 को आपको घर से करना है और क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपको अभी करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखते हैं तो ये हमें दे रखा है सवाल में कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P, कॉस P, टेन P, इन तीनों के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज लिया है PQR। अब यहाँ पर देखो तीनों में जो हमें ज्ञात करना है उसमें कोण P दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि जो भी कोण की बात की जाए उसके सामने वाली भुजा को आप लंब मानेंगे, जिस पर ये कोण बन रहा है वो आधार, और तीसरी वाली भुजा आपकी कहलाएगी कर्ण। तो हमने मान लिया कि हमारे पास लंब जो है वो QR है, QR उसको हमने मान लिया X। उसके बाद आपका आधार है PQ, यानी आधार PQ जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आपको एक चीज और दे रखी है सवाल में कि PR प्लस QR बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो वही हम सवाल को आगे करेंगे, PR प्लस QR का मान आपको दे रखा है X बराबर 25। तो PR का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 माइनस के X, और PR हमारा क्या है इस त्रिभुज के अनुसार, वो है आपका कर्ण। तो कर्ण बराबर हो गया 25 माइनस के X। अगर हम इन तीनों की बात करें, आधार, लंब और कर्ण, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आधार क्लियर है, लंब का मान हमने मान रखा है X के रूप में और कर्ण का मान भी आपका X के रूप में आ रहा है, यानी हमें X का मान ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी ये तीनों चीजें आ जाती हैं तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जो कि होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है आपका 25 माइनस के x का स्क्वायर, लंब है आपके पास x, x का स्क्वायर प्लस आधार है आपका 5, 5 का स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 into a into b, यानी 2 into 25 into x, कितना हो गया 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो होगा वो होगा आपका 25। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू बची है 625। इस 25 को हम इधर लिया है तो -25, इस -50x को हम राइट हैंड साइड में लिया है तो ये हो गया प्लस के 50x। 625 में से 25 गया 600, ये बचा हमारे पास 50x। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए 50 को हम नीचे लिया है, कैंसिल आउट कर दिया, एक्स का मान हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। एक्स आपका क्या था, लंब, यानी क्यू आर बराबर एक्स बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, लंब क्यू आर बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। इस एक्स के मान से हम कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण बराबर आपका था 25 माइनस के एक्स, 25 माइनस के 12, यानी कर्ण का मान आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हो गई है। अब आधार भी, लंब भी, कर्ण भी, हमें मान निकालना है साइन पी का, जिसके लिए हम लाल पक्का का प्रयोग करेंगे। पहला वाला होता है साइन, यानी एल अपॉन के, यानी लंब बटे कर्ण। लंब का मान आपको दे रखा है 12 और कर्ण का मान दे रखा है 13। दूसरा पूछा है कॉस पी, साइन के बाद अगला आता है कॉस, यानी ए अपॉन के, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। आधार हमें दे रखा है 5 और कर्ण हमें दे रखा है 13। उसके बाद आता है हमें टेन पी का मान ज्ञात करना, साइन कॉस टेन, टेन होता है एल अपॉन ए, यानी लंब बटे आधार, लंब का मान दे रखा है 12, आधार का मान दे रखा है 5। यही हमारी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। सूत्रों को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा समझाने की ही कोशिश की है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, आपको त्रिकोणमिति कोणों के मान को ज्ञात करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने तैयार की है, जिसको हम कहते हैं पाम ट्रिक। वैसे तो पूरी त्रिकोणमिति कोणों को ज्ञात करने की पूरी टेबल ये होती है, लेकिन इस टेबल को आपको रटना ना पड़े, कंफ्यूजन ना हो, जिसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिसको हम कहेंगे पाम ट्रिक। इसकी सहायता से हम इस पूरी टेबल को तैयार कर सकते हैं। त्रिकोणमिति कोण जो आएंगे आपके, कोणों के मान जो होते हैं वो होंगे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और ये सारे त्रिकोणमिति अनुपातों में आपको देखने के लिए देखने को मिलेंगे, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, छहों के लिए ये 0, 30, 45, 60, 90 मान होंगे। अब इस शॉर्ट ट्रिक की तरफ थोड़ा हम निगाह मारते हैं। इसके लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड की हथेली को ले लिया है इस तरीके से, इसमें जो सबसे छोटी वाली उंगली है उसको रखा है इस तरीके से, जो सबसे छोटी वाली उंगली है उसको 0 डिग्री, इसके बराबर वाली को 30 डिग्री, उसके बराबर वाली को 45 डिग्री, उसके बराबर वाली को 60 डिग्री, और अंगूठे को दिया है मैंने 90 डिग्री के कोण का मान। अब इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है बस आपको, वर्गमूल यानी अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 4, ये फॉर्मूला आपका
हर एक त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात करने के लिए यूज होगा। अब इसमें दूसरी बात याद रखनी है कि साइन के लिए आपको हमेशा क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज इस तरीके से। कॉस के लिए आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। केवल साइन और कॉस के मानों से ही हम टेन के, सेक के, कॉसेक के, कॉट के मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है सिर्फ दो मानों पे, एक साइन के मानों पर और एक कॉस के मानों पर। सबसे पहले मैं आपको कुछ कोणों के मान आपको इस ट्रिक से निकाल के दिखाती हूँ, आगे की टेबल आप पूरी कर लेना। इसमें जैसे साइन 0 डिग्री है, अब साइन में मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज जाना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है। अब ये देखो कि 0 डिग्री के आगे क्या कोई फिंगर आपको नजर आ रही है? 0 डिग्री के आगे आपको कोई भी फिंगर नजर नहीं आ रही, तो नंबर ऑफ फिंगर्स में हो गया आपका 0/4। जब आप 4 से 0 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। यानी साइन 0 डिग्री का मान आपका आ गया 0। अब इस टेबल में भी देख लो कि साइन 0 डिग्री का मान है आपका 0। इसी तरीके से हम साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो साइन है, साइन के लिए क्लॉकवाइज आना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है। अब ये देखो कि 45 डिग्री के आगे कितनी फिंगर आ रही है? 1, 2। तो अंडर रूट 2/4, 2 1 2, 2 2 4, यानी अंडर रूट 1/2। अंडर 1 का जब अंडर रूट करोगे तो 1 ही आएगा, और 2 का रूट करोगे तो अंडर रूट 2। यानी साइन 45 का मान आ गया हमारे पास 1/√2। और टेबल में देखो साइन 45 का मान आ गया 1/√2। ठीक इसी तरीके से साइन 90 डिग्री का मान हम निकालेंगे। साइन के लिए हमें जाना होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी ये होती है। अब ये देखो 90 डिग्री के आगे कितनी फिंगर्स आ रही है? 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ फिंगर्स में 4, फॉर्मूले में आपका 4 होता है, वर्गमूल आपका फॉर्मूले में ही होता है। 4 1 4, 4 1 4, 1 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो मान आएगा 1। यानी साइन 90 डिग्री का मान आ गया आपका 1। टेबल में भी देखो साइन 90 डिग्री का मान है आपका 1। अब इसी तरीके से आप 30 डिग्री के, 60 डिग्री के मान निकाल सकते हैं, और इस मानों को निकालने के बाद आप इस टेबल से चेक कर सकते हैं कि जो आपके मान आए हैं वो सही हैं या गलत। इसके बाद आप बेटा चलते हैं कॉस की तरफ। कॉस का सबसे पहले मैं निकालना दिखा रही हूँ आपको 30 डिग्री का मान। कॉस के लिए आपको कैसे जाना होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरीके से। अब ये देखो कि 30 डिग्री से आगे आपके कितनी फिंगर्स आ रही है? 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ फिंगर्स में हो गया 3, फॉर्मूले में आपका अंडर रूट था ही, 4 भी आपका फॉर्मूले में था। 3 का वर्गमूल करोगे तो अंडर रूट 3, और 4 का वर्गमूल करोगे तो 2। कॉस 30 का मान आ गया अंडर रूट 3/2। कॉस 30 का मान देखो अंडर रूट 3/2। अब कॉस 60 की तरफ चलते हैं। कॉस के लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपको। 60 ये है आपका, इसके आगे नंबर ऑफ फिंगर्स आ रही है 1, तो नंबर ऑफ फिंगर्स में आ गया 1, फॉर्मूले में अंडर रूट और अपॉन 4। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। अब टेबल में देखो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है? 1/2। अब कॉस 90 डिग्री की तरफ चलते हैं। कॉस के लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाना होता है। 90 डिग्री के आगे आपको कोई भी फिंगर दिखाई नहीं दे रही है, तो नंबर ऑफ फिंगर्स हो गए 0, अंडर रूट फॉर्मूले में दे रखा है 4। 4 से जब 0 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0। टेबल में भी देख लो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आती है 0। आगे के मान आपके कॉस 0 डिग्री, कॉस 45 डिग्री के मान इसी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। अब मैं बता रही हूँ 10 का मान, एक मान बता रही हूँ, आगे के मान आप स्वयं निकाल सकते हैं। जैसे 10 90 डिग्री, आपको बताया था लाल कक्का के सूत्र से 10 जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो यानी साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 का मान मैंने अभी निकाला था 1, और कॉस 90 का मान निकाला था 0। अगर कभी भी 0 आपके हर में आता है तो उसका मान होता है अपरिभाषित, उसका मान होता है आपका अनंत। इस अनंत को हम दिखाते हैं इस निशान के द्वारा, इस प्रतीक के द्वारा हम अनंत को दिखाते हैं। अनंत का मतलब होता है जिसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे आप देखो 10 90, अनंत मान आ रहा है, ब्रैकेट में लिख रहा है अपरिभाषित, यानी कि इसकी कोई परिभाषा ही, सीमा ही नहीं है। अगर आपको सेक का मान निकालना है तो सेक 1/cos, कॉट का मान निकालना है तो कॉस अपॉन साइन। ठीक इसी तरीके से आप मान निकाल सकते हो। एक बार लिख देती हूँ कि अगर आपको कॉसेक का मान निकालना है तो 1/sin, अगर आपको सेक का मान निकालना है 1/cos, कॉट का मान कॉस अपॉन साइन। इन सब
सारे सूत्रों की सहायता से आप इस पूरी टेबल को तैयार कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस दो तीन चीजों का ध्यान रख के आप इस टेबल को आसानी पूर्वक बना सकते हैं। पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में हम 0.7 का प्रयोग करेंगे। जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे उसमें जो 0.7 है हम उसका प्रयोग करेंगे। 0.7 में क्या है कि त्रिकोणमितीय जो मान होते हैं, त्रिकोणमितीय कोणों के जो मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, वो सब दे रखे हैं। एक इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो भेजा था उसमें उन मानों को ज्ञात करने की सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था, पाम ट्रिक। मैं आशा करती हूँ शायद वो आपको समझ में आ गया होगा। बेटा उसी ट्रिक का यूज़ करके हम आज एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास वर्क में आपके 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3। होमवर्क में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं और ये सिर्फ और सिर्फ केवल 0.7 पर ही आधारित है ये प्रश्न। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हम लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास 0.7 दे रखा था उसमें जो हमने टेबल पढ़ी थी उस टेबल के अनुसार जो जो मान इसने पूछा है वो मान हम निकाल लेते हैं। साइन 30 डिग्री का मान टेबल के अनुसार 1/2, टेन 45 डिग्री का मान टेबल के अनुसार 1, कॉसेक 60 डिग्री का मान टेबल के अनुसार 2/√3, सेक 30 डिग्री का मान टेबल के अनुसार 2/√3, कॉस 60 डिग्री का मान टेबल के अनुसार 1/2, कॉट 45 डिग्री का मान टेबल के अनुसार 1 होता है। इन सारे के सारे मानों को उपरोक्त प्रश्न में आपने रख दिया। साइन 30 की जगह 1/2, टेन 45 1, कॉसेक 60 2/√3, सेक 30 2/√3, कॉस 60 1/2, कॉट 45 1। अब बेटा सबसे पहले हमने ऊपर वाले का एलसीएम दिया, ऊपर का एलसीएम आया 2/√3, 2/√3, 2 2 1, तो 3 इधर आ गया, इधर नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो जब 1 है तो 2/√3 इधर आ गया, 3 से 3 हट गया तो 2 2 आ गया हमारे पास 4। ऐसे ही नीचे वाले का एलसीएम लिया, नीचे का एलसीएम भी आएगा 2/√3, 3 से 3 हटा 2 2 4, प्लस 2 से 2 हटा 3, प्लस नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 दे रखा है, तो 1 × 2√3 = 2√3। आगे इसको सॉल्व करा, 3 + 2√3, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 + 2 यानी कि 3, 3√3 माइनस के 4/2√3। अब बेटा यहाँ देखो 4 + 3 दोनों में से कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 1 + 2 यानी 3√3, वो यहाँ नोट कर दिया, नीचे है 2/√3, 2/√3 से 2/√3 कैंसिल आउट हो गया, 3√3 माइनस के 4/3√3 प्लस के 4। जब भी इस तरीके की कोई भी कंडीशन आ जाती है तो वहां पर अंश और हर को हर के संयुग्मे से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। यहाँ 3√3 प्लस 4 है यानी ये हर है, इसका संयुग्मे जो होगा वो होगा 3√3 माइनस के 4। तो ऊपर नीचे अंश और हर में मैंने इसकी गुणा कर दी है जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। अब जब इसकी गुणा करी तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको लिख दिया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर नीचे 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस के 4। हमने क्लास 9th में एक सूत्र पढ़े हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक सूत्र पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। इन सूत्रों को ऊपर लगा देंगे, यहाँ पर a की जगह दे रखा है 3√3 और b की जगह दे रखा है 4, तो उसी तरीके से यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 × a × b। ठीक इसी तरीके से नीचे a का मान दे रखा है 3√3 और b का मान दे रखा है 4, इसमें सूत्र लगाया है a प्लस बी ए माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जब इसको खोला, 3 की 2 बार गुणा करी, 3 × 3 = 9, और फिर उसके बाद 3 की 2 बार गुणा करी तो 3 × 3 = 3, यानी 9 × 3 यहाँ लिख दिया है, प्लस 4 × 16 माइनस 2 × 6 = 24 √3। अब ऐसे इसमें 3 की 2 बार गुणा करी तो 3 × 3 = 9, 3 की 2 बार गुणा करी तो 3 9 × 3 माइनस के 4 का स्क्वायर किया तो 16, 9 × 3 = 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, 9 × 3 = 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 हो गया 43 और 24 √3 ऐसे का ऐसे ही 27 में से 16 गया तो बचा 11, यही आपका फाइनल आंसर।
अब हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे। सवाल में दे रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a और हमें कैलकुलेट करना है कोण a का मान। बेटा इसके लिए हमेशा याद रखना एक सूत्र होता है, तभी मैंने लिखा है हम जानते हैं कि सूत्र साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। इस सूत्र का प्रयोग ऊपर दिए गए प्रश्न में हम करेंगे। साइन 2a का मान क्या दे रखा है 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a इक्वल टू 2 साइन a। 2 साइन a को नीचे लिया है, 2 साइन a से 2 साइन a कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू हो गई कॉस a इक्वल टू 1। बेटा टेबल 7 में जो मैंने आपको बताया था तब वहां बताया था कि कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1, यानी 1 की जगह हम कॉस 0 डिग्री रख सकते हैं। तो इस 1 की जगह मैंने कॉस 0 डिग्री रख लिया तो कोण a का मान हमारा कितना आ गया 0 डिग्री, यही आपका आंसर। तो अब हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल में ये दे रखा है कि tan a plus b बराबर √3 और tan a minus b equal to 1 upon √3 और a plus b का मान जो होगा वो 0 से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा या फिर उसके बराबर होगा। और ये भी क्लियर कर रखा है कि a का मान जो होगा b से बड़ा होगा। आपको a और b का मान कैलकुलेट करना है। 0.7 की टेबल से हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1 upon √3 और tan 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3। अब जो सवाल में हमें दे रखा है हमें सवाल को उसी से आगे बढ़ाना है, यानी कि tan a plus b equal to √3। तो tan a plus b equal to √3 की वैल्यू क्या होती है टेबल 7 के अकॉर्डिंग tan 60 डिग्री। तो हमारे पास आ गया a plus b equal to 60 डिग्री, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। ठीक इसी प्रकार से tan a minus b equal to 1 upon √3 सवाल में दे रखा है तो tan a minus के b equal to 1 upon √3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। तो tan 30 डिग्री यहाँ लिख लिया तो यानी इक्वेशन बन गई a minus b equal to 30 डिग्री, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से a plus b equal to 60 डिग्री, a minus b equal to 30 डिग्री। यहाँ प्लस बी है यहाँ माइनस बी है, दो प्लस ए क्या हो गया 2a इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। अब a इक्वल टू हो गया 90 डिग्री अपॉन 2, इससे इसे कैंसिल आउट कर दिया तो a इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। अब इस a के मान को चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, मान दोनों से बराबर ही आएगा। मैंने a के मान को समीकरण 1 में रख दिया, जब एक में रखा तो a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास था 60 डिग्री समीकरण a के अनुसार, a का मान था 45 डिग्री, अभी हमने निकाला है प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ प्लस का है 45 डिग्री उधर जाके माइनस हो गया तो माइनस 45 डिग्री, b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री, यानी a का मान 45 और b का मान आ गया 15 डिग्री। और यहाँ पर आपको सवाल में भी दे रखा था कि a का मान बड़ा होगा b से, यानी 45 डिग्री बड़ा है और 15 डिग्री छोटा है। अब ये जो बचे हुए क्वेश्चन है होमवर्क वाले वो आपको अपनी कॉपी में इसी के अनुसार करने हैं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एएसटीसी चार्ट। इस एएसटीसी चार्ट के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि जैसे जैसे कोणों में बदलाव आता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी किस तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेके चलेंगे प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में हम पढ़ेंगे ऑल, ऑल के बारे में। इसमें आपके पास दो कोण होंगे प्रथम चतुर्थांश में, 90 डिग्री माइनस थीटा और दूसरा होगा 360 डिग्री प्लस थीटा। इसमें हमेशा याद रखना है ऑल का मतलब होता है कि सारे के सारे, यानी जितने भी आप इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लेके चल रहे हैं, तीन त्रिकोणमितीय अनुपात जो लेके चल रहे हैं उन सबके जो निशान होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे प्लस होंगे। जैसे साइन प्लस, कॉस प्लस और टेन प्लस। अब बेटा इसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम कोण केवल 90 डिग्री माइनस थीटा ही और 360 डिग्री प्लस थीटा ही क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये है एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष में ये वाला जो प्रथम चतुर्थांश में हम लेके चल रहे हैं मूल बिंदु से इधर वाला, ये इनमें जो कोण बनना है वो आपका बनना है 0 डिग्री। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ कोण आ जाता है 90 डिग्री। इसके बाद नीचे इधर कोण आ जाता है 180 डिग्री और सबसे नीचे कोण आ जाता है 270 डिग्री। फिर घूम के 0 डिग्री के पास में एक आ जाता है कोण 360 डिग्री।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं तो वहां पर कोण आ रहे हैं आपके 0 डिग्री, 360 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं होती 0 डिग्री की, 0 डिग्री इसमें लेके ही नहीं चलना है, हमें स्टार्ट जो करना है वो 90 डिग्री से करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो ये दोनों के बीच प्रथम चतुर्थांश में जो एंगल बनना है वो पूरा 90 डिग्री नहीं है और ना ही 90 डिग्री से ज्यादा है, इसमें जो कोण बन के चल रहा है वो 90 डिग्री से कम बन के चल रहा है, इसलिए हम लेके चलते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर इसके बाद बेटा पूरा चक्कर जब 270 से यहाँ पूरा आ जाता है तो उसके बाद यहाँ खत्म हो जाता है 360। हम लेके चल रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में, तो यानी कोण आगे बढ़ा 360 डिग्री से आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ दूसरा कोण हम लेके चलेंगे 360 डिग्री प्लस थीटा। इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी 90 डिग्री आएगा या 270 डिग्री आएगा तो वहां पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? जैसे साइन कॉस में और कॉस साइन में, इसलिए तीर का निशान दोनों तरफ लगाया गया है। टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। अब हम स्टार्ट करते हैं साइन से ही, तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बदल जाता है। अब 90 डिग्री के साथ जो त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है वो आ रहा है साइन, और साइन किसमें परिवर्तित हो जाता है? कॉस। यहाँ एंगल है थीटा तो थीटा। अब आपको बताया था कि चाहे साइन आए चाहे कॉस आए चाहे टेन आए सबके मान प्लस होंगे, तो यहाँ साइन है तो इसका मतलब है कि ये मान जो होगा वो आपका प्लस होगा। ऐसे ही बेटा cos 90 माइनस थीटा की तरफ जाएंगे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा है तो 90 डिग्री की वजह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। यहाँ कोण थीटा है तो थीटा आ जाएगा। अब आपको पहले ही बताया गया था कि इसमें सारे के सारे प्लस होते हैं, तो cos वाला भी क्या होता है आपका प्लस, तो यहाँ भी निशान किसका आ जाएगा? प्लस का। ठीक उसी तरीके से हम चलेंगे नीचे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री आने की वजह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात टेन जो है वो कॉट में बदल जाता है, तो कॉट यहाँ कॉट था थीटा, यहाँ कॉट थीटा आ गया। अब बताया था कि टेन भी प्लस में होता है, तो इसका मतलब ये जो मान आएगा टेन वाला वो भी प्लस में ही आएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लेके चलेंगे 360 डिग्री प्लस थीटा में, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 डिग्री पे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण साइन साइन ही रहेगा, यहाँ थीटा है तो थीटा। अब आपको बताया था कि साइन प्लस होगा तो ये भी मान प्लस आएगा। उसके बाद कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री है तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, कॉस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यहाँ थीटा है तो ये थीटा, और चूंकि कॉस प्लस का होता है इसमें भी तो यहाँ पर भी प्लस निशान। फिर ऐसे ही टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री होने के कारण टेन भी परिवर्तित नहीं होगा, तो टेन का टेन थीटा का थीटा, चूंकि यहाँ सारे के सारे साइन कॉस टेन प्लस ही होते हैं तो यहाँ भी प्लस का निशान। अब हम चलते हैं द्वितीय चतुर्थांश की तरफ। द्वितीय चतुर्थांश में हम दो एंगल लेके चलेंगे, दो कोण लेके चलेंगे। देखो 90 डिग्री और 180 डिग्री इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यानी कि 90 डिग्री से तो ज्यादा जा रहा है, तो हम एक एंगल लेके चलेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा। 180 यहाँ खत्म हो गया है और 180 से आगे के जो भी कोण स्टार्ट होंगे वो यहाँ स्टार्ट होंगे, और जितने भी 180 डिग्री से पहले थे और 90 डिग्री के बीच में थे वो इस चतुर्थांश में आएंगे, जिसकी वजह से हम लेके चलेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। चूंकि इस चतुर्थांश में हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ते चलते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब होता है केवल हम शुरू वाले इसको लेके चलेंगे, यानी एस। एस का मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन प्लस का होगा और सारे चाहे कॉस हो चाहे टेन हो वो दोनों आपके माइनस होंगे, कॉस भी माइनस और टेन भी माइनस। अब देखो हम लेके चलेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, चूंकि 90 डिग्री है त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित हो जाएगा, साइन कॉस में चला जाएगा, चूंकि यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा। मैंने आपको बताया था कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन आपका प्लस होता है तो साइन का ये मान प्लस होगा। फिर नेक्स्ट चलेंगे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री है त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉस परिवर्तित हो जाएगा साइन में, थीटा है तो थीटा ऐसे का ऐसे ही, चूंकि इस वाले चतुर्थांश में कॉस जो होता है वो माइनस होता है तो इसलिए निशान माइनस का।
टेन 90 डिग्री प्लस थीटा 90 डिग्री आ रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, यहाँ थीटा है तो थीटा, और यहाँ हम द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं तो उसमें टेन हमेशा माइनस होता है, तो टेन हमेशा माइनस। ठीक इसी प्रकार से दूसरे हम लेके चलेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, चूंकि 180 डिग्री है त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो साइन ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, कोण थीटा है तो थीटा। मैंने आपको बताया था कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस होता है, तो ये वाला साइन प्लस होगा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 आ रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कोण थीटा है थीटा रहेगा, चूंकि इस चतुर्थांश में कॉस माइनस होता है तो कॉस माइनस हो गया। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे टेन 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होता, टेन टेन रहेगा, थीटा थीटा रहेगा, चूंकि इस चतुर्थांश में टेन माइनस होता है तो ये टेन माइनस होगा। अब हम तृतीय चतुर्थांश की तरफ चलते हैं। तृतीय चतुर्थांश में भी दो कोण आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका क्राइटेरिया रहेगा 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, यानी 180 डिग्री से ज्यादा की तरफ हम जा रहे हैं, तो 180 डिग्री प्लस थीटा, और 270 डिग्री से हम कम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा जाएंगे तो हम चतुर्थांश की तरफ पहुंच जाएंगे, तो हमें बात करनी है तृतीय चतुर्थांश की, तो 270 डिग्री से माइनस कम आ रहा है, तो हम लेके चलेंगे नेक्स्ट एंगल 270 डिग्री माइनस थीटा। इसमें जैसे कि शॉर्ट ट्रिक से पता चल रहा है, टेक में केवल हमें टी देखना है, टी किस त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित होता है, टेन से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टेन प्लस होगा और जो बचे साइन और कॉस वो दोनों माइनस में होंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा पहला साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री पर कोई चेंज नहीं होता त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, चूंकि यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, और अभी आपको बताया मैंने कि साइन हमेशा इसमें माइनस होता है, तो साइन का मान हमेशा माइनस। फिर ऐसे ही कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री है त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कोण थीटा है तो थीटा ही रहेगा, चूंकि कॉस इसमें भी माइनस होता है तो कॉस का मान इसमें भी माइनस लिखेंगे। फिर अगला हम चलते हैं टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री की वजह से त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, टेन टेन रहेगा, कोण थीटा है तो थीटा ही रहेगा। अभी आपको बताया था कि इस चतुर्थांश में टेन का मान प्लस होता है, तो टेन का मान हमने यहाँ लिखा है प्लस। अब नेक्स्ट एंगल की तरफ बढ़ते हैं, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, चूंकि 270 आ गया है तो पहले ही बता दिया गया था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित हो जाता है, तो साइन परिवर्तित हो गया कॉस में, कोण थीटा था थीटा ही रहा, चूंकि इसमें साइन का मान माइनस होता है तो साइन का मान यहाँ भी माइनस। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री की वजह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस परिवर्तित हो जाता है साइन में, कोण है आपका थीटा, थीटा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और बताया गया था कि कॉस इसमें हमेशा माइनस होता है तो कॉस का मान इसमें भी माइनस। नेक्स्ट हम चलते हैं टेन 270 डिग्री माइनस थीटा की तरह, 270 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित हो जाएगा, टेन परिवर्तित हो गया कॉट में, कोण था थीटा, थीटा यहाँ लिख दिया, और मैंने आपको बताया था कि इस चतुर्थांश में टेन की वैल्यू प्लस होती है, तो टेन की वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पर प्लस। नेक्स्ट हम चलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश की तरफ, चतुर्थ चतुर्थांश में हमारे पास दो कोण आएंगे, वही 270 डिग्री से ज्यादा, तो जिसकी वजह से 270 डिग्री प्लस थीटा, और 360 डिग्री से कम, यानी कि 360 डिग्री माइनस थीटा लिया है। इसमें शॉर्ट ट्रिक से पता चल रहा है कि फर्स्ट जो आपका है वो है आपका सी, सी कनेक्टेड होता है कॉस से, तो यानी कॉस प्लस होगा, साइन माइनस और टेन माइनस। हम लेके चलेंगे बेटा पहला वही कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 पर त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित हो जाएगा, साइन कॉस में परिवर्तित हो गया, कोण थीटा है तो ये थीटा ही रहेगा, और आपका अभी बताया गया था कि इसमें साइन का मान माइनस होता है तो माइनस। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री की वजह से त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस बदल जाएगा साइन में, कोण थीटा है तो थीटा ही रहेगा, चूंकि इसमें कॉस का मान प्लस होता है तो कॉस का मान इसमें भी प्लस आएगा। टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री की वजह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात टेन परिवर्तित हो जाएगा कॉट में, एंगल आपका थीटा है थीटा ही रहेगा, टेन का मान माइनस रहता है तो टेन का मान माइनस। ठीक इसी प्रकार से साइन 360 डिग्री माइनस थीटा में, 360 डिग्री की वजह से त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा, एंगल थीटा है तो थीटा रहेगा, चूंकि साइन की वैल्यू माइनस होती है तो साइन की वैल्यू माइनस। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 की वजह से त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, एंगल थीटा है तो थीटा ही रहेगा, कॉस का मान इसमें प्लस होता है तो कॉस का मान इसमें भी प्लस। टेन 360 डिग्री माइनस थीटा,
360 डिग्री की वजह से त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, 10-10 रहेगा, एंगल थीटा ही रहेगा, और आपका चूंकि इसमें 10 का मान माइनस होता है तो 10 का मान इसमें भी माइनस ही रहेगा। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे बच्चों, पिछले सप्ताह की वेडनेसडे की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 के बारे में बताया था और साथ ही साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर किया था। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 8.3 से। एक्सरसाइज 8.3 जो है वो आपकी ASTC चार्ट पर आधारित है। ASTC चार्ट को 20 तारीख की क्लास में जब मैंने स्टार्ट किया था, नोट्स के द्वारा आपको समझाया था, उसमें नोट्स में जो पॉइंट नंबर 8 है वो ASTC चार्ट का ही है। एक मैं आपके YouTube लिंक मैं आपको शेयर करूंगी बेटा, उससे आसानी पूर्वक आप त्रिकोणमिति के परिचय को समझ सकते हैं। और उस वीडियो में जो पॉइंट नंबर 8 होगा उसमें ASTC चार्ट को मैंने समझा रखा है, आप आसानी पूर्वक उसको समझ सकते हैं। बेटा इस एक्सरसाइज 8.3 में टोटल क्वेश्चंस है आपके 7, इनमें से 3 क्वेश्चन मैं अभी क्लास वर्क में आपको कराऊंगी और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। क्लास वर्क वाले वीडियो की सहायता से आप इन क्वेश्चंस को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। क्लास वर्क और होमवर्क के सभी प्रश्नों को आपको मैथ्स की अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करो। बेटा एक्सरसाइज 8.1 में मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय और लाल तख्ता वाले सूत्र पर आधारित प्रश्नों को कराया था। एक्सरसाइज 8.2 में त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो कोण हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनके बारे में बताया था। एक्सरसाइज 8.3 में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगी जिन कोणों के मान नहीं दे रखे होते, क्योंकि ना तो मैंने अभी साइन 18 डिग्री का मान पढ़ा है और ना ही कॉस 72 डिग्री का मान पढ़ा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम हमेशा ASTC चार्ट के द्वारा ही हल करते हैं। अब किस प्रकार से करते हैं बेटा, ये दो हमें इस सवाल में दो कोण नजर आ रहे हैं, एक 18 डिग्री और एक 72 डिग्री। आप इन दोनों कोणों में से किसी एक कोण को दूसरे कोण की तरह बनाने की कोशिश करेंगे ASTC चार्ट के द्वारा। जैसे कि नीचे वाला जो हर है cos 72 डिग्री, उसको मैंने ऐसे का ऐसे ही रख दिया, और ये जो 18 डिग्री है इसको 72 डिग्री वाले कोण में बदलने की कोशिश की है। अब मैं अगर 90 डिग्री में से 72 डिग्री माइनस कर देती हूँ तो मुझे पता है कि 18 डिग्री मिल जाएगा। तो यानी कि इस कोण पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इसके रूप को मैंने बदल दिया, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री कर दिया, साइन ऐसे का ऐसे ही। जब ASTC चार्ट को आप पढ़ोगे तो उसके प्रथम चतुर्थांश में मैंने आपको बता रखा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ऊपर वाला आपका दे रखा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप इसको क्या लिखोगे, कॉस थीटा की जगह आपका एंगल दे रखा है 72 डिग्री। हर वाले को ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे, ये दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1। अब बेटा इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल में दे रखा है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस के 20 डिग्री। इस क्वेश्चन को भी बेटा ऐसे ही एक्सरसाइज 8.3 के ASTC चार्ट के द्वारा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इस तरीके का कोई भी एंगल नहीं आ रहा है। सवाल में साथ ही साथ दे रखा है कि 4a जो है वो आपका एक न्यून कोण है। न्यून कोण उसे कहते हैं जिसका मान 90 डिग्री से कम आता है। अब इसमें आपको a का मान ज्ञात करना है। बेटा हम ASTC चार्ट के द्वारा हम ये जानते हैं कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो sec थीटा के बराबर होता है। ये भी आपका प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा। अब इसमें क्या करा मैंने, cosec 90 डिग्री और थीटा की जगह अब एंगल मैंने ले लिया 4a, क्योंकि सवाल में एंगल आपका क्या दे रखा है 4a। तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू sec थीटा की जगह आ गया 4a। इस पूरे के पूरे मान को दिए गए सवाल में रख दिया। दिए गए सवाल में sec 4a का मान कितना रख दिया, cosec 90 डिग्री माइनस 4a। cosec 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड में सवाल में दे रखा है cosec a माइनस के 20 डिग्री। cosec cosec हट जाएगा, 90 डिग्री माइनस के 4a इक्वल टू a माइनस के 20 डिग्री। ये 20 डिग्री इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, ये माइनस का 4a उधर जाके प्लस में हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री यानी 110 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a 5a। a से 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 22 डिग्री। यही आपका आंसर।
बेटा यहाँ वैसे सवाल में आपसे ए का मान ही पूछा है, लेकिन सवाल में एक चीज और दे रखी थी कि 4a एक न्यून कौन है, तो उस चीज को भी हम चेक कर सकते हैं। देखो 4a की वैल्यू अभी आपने निकाली है 22, जब 4 × 22 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 88 डिग्री, और 88 डिग्री चूंकि 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि 4a आपका क्या है, एक न्यून कौन है। बच्चों एक्सरसाइज 8.3 था क्लास वर्क में जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखा है, अब मैं उसी को समझाने की कोशिश करूंगी, और ये आपका इस एक्सरसाइज का क्लास वर्क का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल में दे रखा है कि एबीसी जो है वो त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। बेटा अंतःकोण मतलब अंदर बनने वाले जो कोण होते हैं उन्हें हम कहते हैं अंतःकोण। हमें इस आधार पर सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। बेटा कभी भी सिद्ध करने वाले सवाल में त्रिभुज वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वहां पे हमें एक क्लू मिल जाता है कि हम सवाल को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो वही चीज मैंने एकदम से यहाँ पकड़ लिया त्रिभुज वर्ड, और उसी के आधार पर मैंने लिख दिया बिना कुछ सोचे समझे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और तीनों कोण वो दे रखे हैं आपके सवाल में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा अब हम अगर सिद्ध करने की तरफ देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे चाहिए बी प्लस सी और राइट हैंड साइड में चाहिए मुझे ए। तो वही हमने किया कि लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी को रखा और राइट हैंड साइड में मैं उधर ए को ले गई। अब बी प्लस सी इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस के ए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी के साथ मुझे अपॉन में टू चाहिए, तो वही बेटा कि टू से दोनों पक्षों में भाग कर दिया, तो बी प्लस सी का हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन टू, और जब 180 डिग्री को टू से डिवाइड किया तो 90 डिग्री माइनस के ए को टू से डिवाइड किया तो ए अपॉन टू। जैसे कि क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे चाहिए बी प्लस सी अपॉन टू के साथ साइन, तो वही मैंने किया कि दोनों पक्षों में मैंने साइन ले लिया, बी प्लस सी अपॉन टू के साथ साइन ले लिया, और राइट हैंड साइड में भी 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू के साथ साइन ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड तो मुझे मिल गया है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको ऐसे का ऐसे ही रखना है। बट राइट हैंड साइड में मुझे यहाँ पर कॉस चाहिए जबकि दे रखा है साइन, तो यहाँ पर मैं आपका ए एस टी सी का प्रयोग करूंगी, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा ये सब हम ए एस टी सी में के द्वारा ही पढ़कर चलते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो आपका होता है कॉस थीटा, प्रथम चतुर्थांश में आप ये पढ़ के चलोगे। तो यानी कि इस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा का मान यहाँ दे रखा है ए अपॉन टू, तो ए अपॉन टू, और यही मुझे सिद्ध करना था कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। ये एक्सरसाइज यही समाप्त होती है। बच्चों अब हम मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, एक्सरसाइज 8.4। बेटा एक्सरसाइज 8.4 जो है वो आपकी सर्व समीकाओं पर आधारित है। मैंने आपको सर्व समीकाएं 3 बताई थी, और इन सब समीकाओं को मैंने जो मंडे की क्लास में आपको लास्ट वीक मंडे की क्लास में जो नोट्स प्रोवाइड कराए थे उसमें ये सर्व समीकाएं पॉइंट नंबर 6 पे है, और मैं आपके साथ एक YouTube लिंक भी आप शेयर करूंगी, उसमें पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का परिचय दे रखा है। तो जैसे ही उसमें पॉइंट 6 आएगा तो आपको ये सर्व समीकाएं भी उसमें क्लियर हो जाएंगी। इन सर्व समीकाओं का प्रूफ भी मैंने कर रखा है, वो भी आपको जो YouTube लिंक मैं दूंगी उस वीडियो में वो सब क्लियर हो जाएगा। बच्चों इस एक्सरसाइज 8.4 में टोटल क्वेश्चंस है 5, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्लास वर्क में अभी करवाऊंगी, वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगी, और होमवर्क से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये दोनों ही आपको मैथ्स की फेयर कॉपी में अपना नोट कर लेना है। और अब मैं स्टार्ट करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया है कि साइन ए सेक ए टेन ए का मान आपको ज्ञात करना है, किसके पदों में ज्ञात करना है, कॉट ए के पदों में। अगर बेटा एक्सरसाइज 8.1 की तरफ हम चले तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण आधार लंब इन तीनों में से किसी भी एक भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, और लाल कक्का के सूत्र के माध्यम से हम उसको आसानी पूर्वक त्रिकोणमिति अनुपातों के मान को निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपातों के कोणों 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के कोणों का मान ज्ञात करना बताया था पाम ट्रिक की सहायता से।
एक्सरसाइज 8.3 में मैंने आपको एएसटीसी चार्ट का यूज बताया था, जहां पर एंगल आपके 18 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री इस तरीके से दे रखे हैं। एक्सरसाइज 8.4 में आपको बेटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात का दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंध दिखाना होता है, तो उसमें हम हमेशा सर्व समीकरणों का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल में अगर आप देखेंगे, आपको इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है और किससे संबंध निकाल के ज्ञात करना है, दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे सर्व समीकरण लगाना। हमारे पास 3 सर्व समीकरण है, अब हमें देखना है कि तीनों में से कौन सी इस सवाल में प्रयोग की जाएगी। अब बेटा यहाँ पर cot a के पदों में निकालना है sin a का मान। cot a के पदों में मैंने आपको 2 सर्व समीकरण बता रखी है, एक बता रखी है sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर। वहां अगर 10 का उल्टा कर दोगे, यानी 10 को अगर 1/cot a कर दोगे, तो उस सर्व समीकरण का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। फिर दूसरी सर्व समीकरण मैंने आपको बताई थी cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर हम तीसरी सर्व समीकरण यानी कि cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का प्रयोग करेंगे, तो हमारे पास साइन ए भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि cosec का संबंध साइन से होता है, और cot भी आसानी पूर्वक हमें उसमें सर्व समीकरण में मिल जाएगा। इसलिए हम जो यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे सर्व समीकरण cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि सवाल में मुझे थीटा की जगह कोण ए दे रखा है, तो मैंने सर्व समीकरण में भी कोई लिखा है cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब cosec a यानी कि इसका वर्गमूल ले लिया, तो इधर हो गया अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब बेटा यहाँ पर cot a तो आ चुका है मेरे पास, लेकिन इस cosec a को मुझे बनाना है sin a, क्योंकि सबसे पहले मैं sin a का मान निकाल रही हूँ cot a के पदों में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि sin जो होता है वो cosec का उल्टा होता है, तो हम लिख सकते हैं कि cosec a इक्वल टू 1/sin a इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। अगर sin a को इधर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो यानी sin a का मान आ जाएगा 1/√1 + cot² a। ये तो पहला आपका निकल गया है sin a का मान किसके पदों में, cot a के पदों में। अब दूसरा निकालते हैं sec a का मान cot a के पदों में। बेटा हमने sec a और tan a में जो सरल समीकरण पढ़ी है वो पढ़ी है sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 + tan² a, वही मैंने यहाँ पर अप्लाई की है। यहाँ पर cot चूंकि a दे रखा है इसलिए थीटा का प्रयोग कहीं भी नहीं किया है, तो sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस, मुझे क्योंकि सवाल में cot a चाहिए tan a नहीं चाहिए, तो tan मैंने बताया था कि cot का उल्टा होता है, तो tan a की जगह मैंने वैल्यू रख दी 1/cot a, क्योंकि tan स्क्वायर a है इसलिए हो जाएगा 1/cot² a। sec स्क्वायर a इक्वल टू cot स्क्वायर a LCM ले लिया, तो cot स्क्वायर a प्लस के 1/cot² a, चूंकि sec a चाहिए sec स्क्वायर a नहीं चाहिए, तो मैंने इसका वर्गमूल ले लिया sec a इक्वल टू अंडर रूट 1 को पहले लिख दिया 1 + cot² a, और जब cot स्क्वायर a का वर्गमूल लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा cot a, यानी ये sec a का मान है किसके पदों में, cot a के पदों में, इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब बेटा tan a का मान निकालना है मुझे cot a के पदों में, तो मैंने आपको बताया था कि tan a जो होता है वो sin a अपॉन cos a होता है, तो tan a इक्वल टू मैंने लिख दिया sin a अपॉन cos a। sin a का मान मैंने समीकरण नंबर 1 में निकाल रखा है, समीकरण 2 में मैंने sec a का मान निकाला है, तो इससे क्या करेंगे बेटा 1/cos a को किस में हम बदल सकते हैं, sec a में, तो वही चीज लिखी है sin a 1/cos a को sec a। साइन ए और सेक ए का मान समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण नंबर 3 में रखा, तो जब रखा तो टेन ए इक्वल टू साइन ए का मान समीकरण 1 में दे रखा है 1/√1 + cot² a, और सेक ए का मान समीकरण नंबर 2 में दे रखा है √1 + cot² a / cot a। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास वैल्यू आ गई 1/cot a, और हम जानते भी हैं कि टेन ए जो होता है वो cot a का उल्टा होता है। बच्चों एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सवाल आपका ये दे रखा है, ये कह रखा है कि इस सवाल का मान आपको ज्ञात करना है। बेटा यहाँ पर कौन देखो नजर आ रहा है 63 डिग्री, 27 डिग्री, 17 डिग्री, 73 डिग्री,
इस तरीके के एंगल आपने एक्सरसाइज 8.3 में पढ़े हैं और इस तरीके के एंगल वाले सवालों को मैंने एक्सरसाइज 8.3 में जो ASTC चार्ट आपको समझाया था उसके द्वारा ही हल कराया था। तो हमें उसी रूल को फॉलो करना है, चूंकि एंगल इस तरीके के हैं तो हम ASTC चार्ट का ही प्रयोग करेंगे। तो वही साइन स्क्वायर 63 को मैंने क्या लिख दिया, 90 डिग्री माइनस के 27 डिग्री, क्योंकि जब 90 में से 27 माइनस करोगे तो 63 ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को लिख दिया 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, इन दोनों को माइनस करोगे तो 17 ही आएगा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कुछ बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि मैडम आपको कैसे पता चलता है कि 90 डिग्री में से क्या माइनस करना है। बेटा ये क्लू मिल जाता है बराबर वाले पार्ट से। देखो यहाँ 63 डिग्री है, अगर मैं इसको चेंज कर रही हूँ तो 90 डिग्री तो मेरा आना ही आना है, अब साथ में दूसरा एंगल कौन सा आएगा। देखो 90 डिग्री में से 63 माइनस करके देख लो, जो भी एंगल आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है और ये एंगल दूसरे वाले एंगल से आपका मैच करेगा। अब बेटा हम जानते हैं कि ASTC चार्ट के द्वारा प्रथम चतुर्थांश से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इन दोनों का प्रयोग मैंने ऊपर किया है, देखो यहाँ पर दे रखा है 90 डिग्री माइनस थीटा और इसके साथ आ रहा है साइन, तो इसका मतलब हो गया कॉस थीटा, थीटा की जगह 27 डिग्री, चूंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है इसलिए इसका भी लिख दिया कॉस स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, बताया था क्या होता है sin थीटा, तो sin यहाँ आ गया, थीटा की जगह दे रखा है 73 डिग्री, चूंकि यहाँ पर cos स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे sin स्क्वायर, और ये आपका ऐसे का ऐसे ही। बेटा अभी सर्व समीकाएं मैंने आपको तीन बताई हैं, जिसमें पहली सर्व समीका लगेगी इस सवाल में, पहली सर्व समीका का प्रयोग करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर थीटा की जगह 27 दे रखा है और नीचे थीटा की जगह दे रखा है 73 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का मान 1 हो जाएगा, ऊपर का भी नीचे का भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया आपका 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव है, सवाल में क्या रखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बेटा 1 प्लस मुझे एक हिंट मिल रहा है सवाल को करने के लिए कि sin tan थीटा यहाँ दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा मैंने आपको बताया था कि क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, 1 प्लस cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा। कॉसेक थीटा को साइन थीटा में या कॉट थीटा को कॉस और साइन में ब्रेक करने का मेरा अर्थ इतना ही है, क्योंकि मैं ब्रेक जब तक नहीं करूंगी तब तक कोई भी सर्व समीका नहीं बन पाएगी, ब्रेक करने से कहीं ना कहीं सर्व समीका का प्रयोग इस सवाल में होगा। अब देखो यहाँ पर बेटा कॉस थीटा एलसीएम के रूप में आ रहा है, कॉस थीटा ले लिया, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस के 1, ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस के 1। हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। अगर इस सवाल को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर a का काम कर रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वही मैंने लिखा है कि a कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो दूसरा b का मान है यहाँ 1, यहाँ भी 1, b का मान 1। अब बेटा आप बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a का मान है आपका cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस सूत्र के अनुसार, और b की वैल्यू आपकी दे रखी है सवाल के अनुसार 1 का होल स्क्वायर हो गया अपॉन ये हो गया cos थीटा इंटू sin थीटा। अब एक सूत्र मैंने आपको बहुपद में या बीजगणित में आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a की जगह दे रखा है cos थीटा और b की जगह दे रखा है sin थीटा, तो वही cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, और ये है आपका माइनस के 1 अपॉन में आपका चल रहा है cos थीटा इंटू sin थीटा। पहली सर्व समीका मैंने आपको बताई थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, तो वही इस सवाल में अप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस के 1 अपॉन में आपका चल रहा है cos थीटा इंटू sin थीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, अब बचा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन नीचे दे रखा है sin थीटा cos थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आपका आ गया 2 जो कि आपका विकल्प नंबर सी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि विकल्प सी सही है। अब एक्सरसाइज 8.4 का हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करेंगे।
उसमें ये कह रखा है कि सिद्ध करना है आपको, और ये पार्ट दे रखा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल टू में ये पार्ट दे रखा है। अब बेटा इन दोनों में से किसी एक पार्ट को लेकर ही सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पर LHS वाले पद को ले लिया। LHS लेने पर ये सवाल दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक पहला तरीका वो है कि जिसमें tan थीटा और cot थीटा को sin और cos के पदों में तोड़ लो, या दूसरा तरीका ये है कि इस पूरे के पूरे सवाल को या तो tan में बदल लो या फिर आप cot में बदल लो। टेन में बदलोगे तो सवाल ज्यादा आसानी पूर्वक आप हल कर पाओगे, क्योंकि अगर कॉट में बदलोगे तो फिर वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब बेटा मैं टेन को साइन और कॉस में बदल के कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया, LHS ले लिया, टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। टेन थीटा को ब्रेक कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, वन माइनस कॉट थीटा को ब्रेक किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। ऐसे ही कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वन माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे का ऐसे ही रख लिया। नीचे मैंने एलसीएम ले लिया साइन थीटा, तो मेरे पास आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को ऐसे का ऐसे ही रख दिया। नीचे एलसीएम ले लिया कॉस थीटा, तो आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये वाला टर्म ऊपर चला गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों की गुणा हो गई तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये वाला टर्म ऊपर चला गया तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब बेटा इसमें हमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस ब्रैकेट को इस जैसा बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इन दोनों में से एलसीएम आपका आ रहा है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, जो कि दोनों में कॉमन है, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बेटा यहाँ पर कॉस थीटा है ये पूरा का पूरा है, लेकिन साइन थीटा नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करी तो ये आया साइन क्यूब थीटा माइनस के। यहाँ साइन थीटा है ये पूरा टर्म है, कॉस थीटा नहीं है, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए कॉस क्यूब थीटा। बेटा यहाँ पर बहुपद में बीजगणित में मैंने हम आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, एक नाइन क्लास बी क्यू इक्वल टू ए माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ऊपर देखेंगे तो एक एक की तुलना अगर करेंगे तो वो आएगा साइन थीटा, और बी का मान अगर हम देखेंगे तो वो आएगा हमारे पास कॉस थीटा। तो इस सूत्र के अनुसार मान रखा मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा। ये दोनों टर्म एक से है, अंश और हर में ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने आपको एक सर्वसमिका बताई थी, प्रथम सर्वसमिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो इसकी जगह लिख दिया वन प्लस के बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस हर को अंश के दोनों भागों में अलग अलग ब्रेक कर दिया, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, बचा वन प्लस वन अपॉन साइन थीटा, गुणा में इसको भी अलग कर दिया इंटू वन अपॉन कॉस थीटा। वन अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा और वन अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस के वन। और यही चीज बेटा आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ करके दिखानी थी, और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर सिद्ध हो गया। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ और पार्ट और समझाने जा रही हूँ। बेटा इसमें सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, जिसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सिद्ध करना है कि 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। जो लेफ्ट साइड में टर्म लिखा है बेटा उसको लिख दो LHS, और जो राइट साइड में लिखा है उसको लिख दो RHS। बेटा ये जो आपके सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं वो आपकी मर्जी है कि LHS को लेकर चलो और RHS लाके दिखा दो, या RHS को लेकर चलो LHS लाके दिखा दो, या LHS को सॉल्व करो RHS को सॉल्व करो और दोनों को बराबर लाके दिखा दो। अब वो आपको देखना है कि आपको किस तरीके से सवाल को आगे बढ़ाना है। मैं इस सवाल को सबसे पहले LHS लेके चल रही हूँ। इस सवाल में LHS लेने पर LHS ऐसे का ऐसे ही मैंने नोट कर लिया बेटा, वन प्लस आपको पहले भी काफी बार बता चुकी हूँ मैं कि sec a जो होता है वो cos a का उल्टा होता है, यानी कि वन अपॉन cos a, sec a की जगह वन अपॉन cos a। यहाँ पर LCM लिया आया cos a, cos a प्लस के वन अपॉन cos a, वन अपॉन cos a पहले आपका दे ही रखा था बेटा, ये ऊपर चला गया
कॉस ए, बचा क्या कॉस ए प्लस के वन अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, अब बचा कॉस ए प्लस के वन, ये आपका एनएचएस साइड है। अब बेटा दूसरी मैंने आरएचएस लिया है, आरएचएस आपका दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस के कॉस ए। मैंने आपको बताया है कि त्रिकोणमिति के परिचय में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब आपको देखना है कि यहाँ पर किस पॉइंट को आप अप्लाई करेंगे। यहाँ एकदम से उन्हें क्लियर हो गया कि मैं साइन स्क्वायर ए वाली सर्वसमिका का प्रयोग कर सकती हूँ, तो वही लिखा है कि हम जानते हैं कि सर्वसमिका से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। यहाँ पर देखो इस वाली साइड में पूरे कॉस ए के टर्म्स ही आ रहे हैं, तो यानी कि साइन ए को भी मैं कॉस वाले कॉस ए में चेंज करूंगी, तो वही किया कि साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, अब इधर राइट हैंड साइड में आ गया वन माइनस के कॉस स्क्वायर ए। इस मान को मैंने इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दिया, साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने रखा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस ए आपका थाई। बेटा काफी बार मैं ये सूत्र बता चुकी हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस के बी ए माइनस के बी, तो वही बोला है ए प्लस के बी ए माइनस के बी, और वन माइनस कॉस ए आपका हर में ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया वन प्लस कॉस ए। ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये थी आपकी राइट हैंड साइड, यानी दोनों अगर आप देखोगे तो दोनों बराबर आ गई है और हमारा यहाँ सवाल सिद्ध हो गया। अब हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट करेंगे। बेटा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये सिद्ध करने वाले हैं सारे सवाल इसमें, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट में भी आएगा, सिद्ध करना है कि ये और इक्वल टू ये। मैंने लेफ्ट साइड को मान लिया एलएचएस और राइट साइड को मान लिया आरएचएस, यानी राइट हैंड साइड और एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। मैंने एलएचएस को लेकर सवाल को आगे करने की कोशिश की है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप सिद्ध करने वाले सवाल को किसी भी एक साइड को लेकर भी कर सकते हैं या दोनों साइड को लेकर दोनों को बराबर लाकर भी दिखा सकते हैं, तो मैंने इस वाले क्वेश्चन में आपका एलएचएस लेकर इस सवाल को आगे बढ़ाया है। सवाल था अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन ए। बेटा जब भी अंडर रूट में ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो हमेशा हर किसी ने याद रखना, ये नियम त्रिकोणमिति में ही नहीं है बीजगणित में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। हर मतलब यहाँ क्या है वन माइनस के साइन ए, इसका संयुग्मी क्या होगा, संयुग्मी का मतलब इसका जो निशान है वो बदल जाए, इसका संयुग्मी होगा वन प्लस साइन ए, तो ऊपर नीचे उन दोनों से गुणा कर दी, ऊपर नीचे गुणा कर दिए बेटा इसके हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दी। अब ये क्या हो गया दोनों एक से है तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया बेटा वन माइनस के साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, और आपका वर्गमूल बाहर लिख दिया है। अब फिर उसके बाद हम जानते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बेटा यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है, तो यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों आपस में, बचेगा क्या वन प्लस के साइन ए। अब इसको खोलो अंडर रूट, क्योंकि नीचे वाले के ऊपर वाले के लिए तो खत्म हुआ है ना अंडर रूट, नीचे वाले के लिए तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी वन और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। बेटा आपको पहले ही बताया था कि सर्वसमिका जो होती है वो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए, तो यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए को इधर लेंगे तो ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। इस मान को ऊपर वाले इक्वेशन नंबर वन में मैंने रख दिया, जब इक्वेशन नंबर वन में इस मान को रखा तो ये हमारे पास आ गया वन प्लस साइन ए अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा कॉस ए, क्योंकि इस पूरे की जगह आया था कॉस स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है, स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो गया तो यहाँ बचा कॉस ए। अब इन दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया, यानी वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। वन अपॉन कॉस ए आपको बताया गया था कि कॉस ए का जो उल्टा होता है वो होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए का जो अनुपात होता है वो होता है आपका टेन ए, और यही आपको राइट हैंड साइड में निकाल के दिखाना था, तो इसको मैंने लिख दिया आरएचएस और सवाल आपका यही सिद्ध हो जाता है। अब एक्सरसाइज 8.4 की क्वेश्चन नंबर 5 के 9 पार्ट को हम करेंगे, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद चैप्टर 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय वो आज यही समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 9 पार्ट पहले ही बता दिया था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें सिद्ध करने वाले सारे सवाल आएंगे, तो वही लिखा है कि सिद्ध करना है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए।
लेफ्ट साइड को हमने LHS मान लिया, दूसरी साइड को RHS मान लिया। इस क्वेश्चन को भी मैंने दोनों साइड को लेकर चली हूँ मैं इस क्वेश्चन में, और दोनों को बराबर लाकर दिखा दिया है। तो वही LHS लेने पर cosec a माइनस साइन ए, sec a माइनस cos a। cosec जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो वन अपॉन साइन ए माइनस के साइन ए, ऐसे कैसे ही sec a किसका उल्टा होता है cos का, तो वन अपॉन cos a माइनस के cos a। LCM ले लिया, साइन ए LCM आ गया, तो वन माइनस के साइन स्क्वायर ए, इधर LCM आ गया cos a, तो वन माइनस के cos स्क्वायर a। हम जानते हैं कि सर्व समीका से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो हमारे पास अगर कॉस स्क्वायर ए का मान हम निकालते हैं तो आता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का मान अगर इसके आधार पर निकालेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों मानों को समीकरण नंबर एक में हम रख देंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम रख देंगे कॉस स्क्वायर ए, साइन ए आपका था ही, मल्टीप्लाई वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए था ही। कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, साइन ए से एक साइन ए कट गया, बचा गया कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो गया हमारा LHS। अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे सवाल को RHS लेके चलना पड़ेगा, इस सवाल में RHS को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। वो इसलिए पता चला क्योंकि जब मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरे पास आया साइन ए इंटू कॉस ए, जबकि मुझे RHS में चाहिए था वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो इससे क्लियर हो रहा है कि LHS निकल के आया है, इसमें केवल और केवल अंश है, जबकि मुझे RHS में अंश और हर दोनों चाहिए। तो इसका मतलब मुझे क्लिक हुआ कि मुझे RHS को लेकर ही इस सवाल को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो वही मैंने काम किया कि RHS को ले लिया, RHS लेने पर वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, क्योंकि मैंने LHS साइन ए और ए और कॉस ए के पदों में निकाला था, तो वैसे ही RHS में जो ये टेन ए और कॉट ए है उसको भी साइन ए और कॉस ए में मैंने इसको परिवर्तित कर दिया। तो वन अपॉन टेन ए की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए, इन दोनों का LCM आ गया साइन ए कॉस ए, वन ऐसे करते ही ऊपर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए। अभी LHS वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था सर्व समीका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान वन होता है, तो वन पहले था ही, सर्व समीका से इसका मान पूरे का वन हो गया, ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, ये ऊपर चला गया, तो हमारे पास आ गए राइट हैंड साइड में भी साइन ए इंटू कॉस ए जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो यानी LHS बराबर RHS, और हमारा सवाल यहीं पर सिद्ध हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट करेंगे। बेटा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये सिद्ध करने वाले हैं सारे सवाल इसमें, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट में भी आएगा सिद्ध करना है कि ये और इक्वल टू ये। मैंने लेफ्ट साइड को मान लिया LHS और राइट साइड को मान लिया RHS, यानी राइट हैंड साइड और LHS लेफ्ट हैंड साइड। मैंने LHS को लेकर सवाल को आगे करने की कोशिश की है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप सिद्ध करने वाले सवाल को किसी भी एक साइड को लेकर भी कर सकते हैं या दोनों साइड को लेकर दोनों को बराबर लाकर भी दिखा सकते हैं। तो मैंने इस वाले क्वेश्चन में आपका LHS लेकर इस सवाल को आगे बढ़ाया है। सवाल था अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन ए। बेटा जब भी अंडर रूट में ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो हमेशा हर किसी ने याद रखना, ये नियम त्रिकोणमिति में ही नहीं है, बीजगणित में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि हर के संयुग्मि से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। हर मतलब यहाँ क्या है, वन माइनस के साइन ए, इसका संयुग्मि क्या होगा, संयुग्मि का मतलब इसका जो निशान है वो बदल जाए, इसका संयुग्मि होगा वन प्लस साइन ए, तो ऊपर नीचे उन दोनों से गुणा कर दी, ऊपर नीचे गुणा कर दिए बेटा, इसके हर के संयुग्मि से ऊपर नीचे गुणा कर दी। अब ये क्या हो गया, दोनों एक से है तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो गया बेटा, वन माइनस के साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, और आपका वर्गमूल बाहर लिख दिया है। और फिर उसके बाद हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बेटा यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है, तो यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों आपस में, बचेगा क्या, वन प्लस के साइन ए। अब इसको खोलो अंडर रूट, क्योंकि नीचे वाले के ऊपर वाले के लिए तो खत्म हुआ है ना अंडर रूट, नीचे वाले के लिए तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी वन और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। बेटा आपको पहले ही बताया था कि सर्व समीका जो होती है वो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए, तो यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए को इधर लेंगे तो ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। इस मान को ऊपर वाले इक्वेशन नंबर वन में मैंने रख दिया,
जब इक्वेशन नंबर वन में इस मान को रखा तो ये हमारे पास आ गया वन प्लस साइन ए, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा कॉस ए, क्योंकि इस पूरे की जगह आया था कॉस स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है, स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो गया तो यहाँ बचा कॉस ए। अब इन दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया, यानी वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। वन अपॉन कॉस ए आपको बताया गया था कि कॉस ए का जो उल्टा होता है वो होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए का जो अनुपात होता है वो होता है आपका टेन ए, और यही आपको राइट हैंड साइड में निकाल के दिखाना था, तो इसको मैंने लिख दिया आर एच एस और सवाल आपका यही सिद्ध हो जाता है। अब एक्सरसाइज 8.4 की क्वेश्चन नंबर 5 के 9 पार्ट को हम करेंगे, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद चैप्टर 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय वो आज यही समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 9 पार्ट पहले ही बता दिया था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें सिद्ध करने वाले सारे सवाल आएंगे, तो वही लिखा है कि सिद्ध करना है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। लेफ्ट साइड को हमने एल एच एस मान लिया, दूसरी साइड को आर एच एस मान लिया। इस क्वेश्चन को भी मैंने दोनों साइड को लेकर चली हूँ मैं इस क्वेश्चन में, और दोनों को बराबर लाकर दिखा दिया है, तो वही एल एच एस लेने पर कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो वन अपॉन साइन ए माइनस के साइन ए ऐसे कैसे ही, सेक ए किसका उल्टा होता है कॉस का, तो वन अपॉन कॉस ए माइनस के कॉस ए। एलसीएम ले लिया, साइन ए एलसीएम आ गया तो वन माइनस के साइन स्क्वायर ए, इधर एलसीएम आ गया कॉस ए तो वन माइनस के कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि सर्वसमिका से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो हमारे पास अगर कॉस स्क्वायर ए का मान हम निकालते हैं तो आता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का मान अगर इसके आधार पर निकालेंगे तो क्या आएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों मानों को समीकरण नंबर एक में हम रख देंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम रख देंगे कॉस स्क्वायर ए, साइन ए आपका था ही, मल्टीप्लाई वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए था ही। कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, साइन ए से एक साइन ए कट गया, बचा गया कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो गया हमारा एल एच एस। अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे सवाल को आर एच एस लेके चलना पड़ेगा, इस सवाल में आर एच एस को लेके सॉल्व करना पड़ेगा, वो इसलिए पता चला क्योंकि जब मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरे पास आया साइन ए इंटू कॉस ए, जबकि मुझे आर एच एस में चाहिए था वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो इससे क्लियर हो रहा है कि एल एच एस निकल के आया है, इसमें केवल और केवल अंश है, जबकि मुझे आर एच एस में अंश और हर दोनों चाहिए, तो इसका मतलब मुझे क्लिक हुआ कि मुझे आर एच एस को लेकर ही इस सवाल को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, तो वही मैंने काम किया कि आर एच एस को ले लिया। आर एच एस लेने पर वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, क्योंकि मैंने एल एच एस साइन ए और ए और कॉस ए के पदों में निकाला था, तो वैसे ही आर एच एस में जो ये टेन ए और कॉट ए है उसको भी साइन ए और कॉस ए में मैंने इसको परिवर्तित कर दिया, तो वन अपॉन टेन ए की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए। इन दोनों का एलसीएम आ गया साइन ए कॉस ए, वन ऐसे का ऐसे ही ऊपर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए। अभी एल एच एस वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था सर्वसमिका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान वन होता है, तो वन पहले था ही, सर्वसमिका से इसका मान पूरे का वन हो गया, ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, ये ऊपर चला गया, तो हमारे पास आ गए राइट हैंड साइड में भी साइन ए इंटू कॉस ए जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो यानी एल एच एस बराबर आर एच एस, और हमारा सवाल यहीं पर सिद्ध हो जाता है।